नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। तालिबान को हवा देते देते अब खुद पाकिस्तान की हवा निकलने का जोखिम बढ़ गया है। पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने पहली सरकार को आगाह किया था कि वे तालिबान पर हद से ज्यादा भरोसा नहीं करे, पर लगता यूं है कि तालिबान की मदद करने का दावा उल्टा पड़ सकता है। पाकिस्तान की ज्यादतों से परेशान पश्तून बहती गंगा में हाथ धोने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। उन्होंने अपनी आजादी के लिए बड़ी तैयारी कर दी है और यह उनके लिए अच्छा मौका हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अधिकार सुरक्षा समूह नाम के थिंक टैंक के इस खुलासे के बाद पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया है। इस थिंक टैंक ने पाकिस्तान को सजग करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपना समय और संसाधन तालिबान पर खर्च कर रहा है, जबकि उसी के क्षेत्र में मौजूद पश्तून फ्रीडम फाइटर एक बड़े युद्ध के हिसाब से संगठित रणनीति बना रहे हैं। उनकी तैयारी करीब करीब मुकम्मल हो चुकी है और किसी भी वक्त वे अलग देश की आजादी के लिए बिगुल बजा सकते हैं। पाकिस्तान में पश्तूनों की 3.5 करोड़ की आबादी रहती है। यह आबादी अफगान पाक सीमा को अलग करने वाली डॉटेड लाइन के इलाकों में रहती है। खास बात यह है कि अफगान सरकार से लड़ रहे तालिबान में पश्तून समुदाय सबसे बड़ा मुसलमान आतंकी समूह है। डॉटेड लाइन पश्तूनों के एक राष्ट्र का विभाजन करके दो मुल्कों में बांटती है। दुनिया की यह सबसे खतरनाक सीमा हमेशा से पाकिस्तान की दुखती रग रही है। ऐसे में अफगानिस्तान के पश्तूनी तालिबानियों का साथ पाकर अब पाकिस्तानी पश्तून इमरान के गले की हड्डी बनने की तैयारी में है। मदरसा मुल्क के लिए यह खतरा कितना बड़ा हो सकता है और कैसे पाकिस्तान के टुकड़े होने की संभावना बढ़ने लगी है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब से तालिबान ने अपने हमले तेज किए हैं और कब्जे की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, पाकिस्तान के पश्तून क्षेत्र में तालिबानी सफेद झंडे लहरा रहे हैं। यही नहीं, इन इलाकों में तालिबानी लड़ाकों की गाड़ियां भी नजर आने लगी है। पाकिस्तान की सेना की हालत तो यह है कि वह इन इलाकों में घुसने के नाम से ही कांपती है। यहां प्रोक्स तौर पर पश्तूनों की अपनी हुकूमत चलती है। पाक आर्मी और पश्तूनों के बीच सालों से झड़पें होती रही है। इस वजह से पश्तून अब पहले की तरह पाकिस्तान के प्रति वफादार नहीं रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे पश्तूनों के अंदर पाकिस्तान को लेकर गुस्सा भड़क रहा है। पिछले 3 साल से हालात ज्यादा बिगड़े हैं। पश्तूनों का पाकिस्तान के साथ एक तरह से शांतिपूर्ण युद्ध चल रहा है। पश्तून आरोप लगाते रहे हैं कि पाक आर्मी डूरंड लाइन पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान उनके घरों को नष्ट कर देती है। लाखों पश्तूनों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और आज में दूरदराज के शहरों में शेल्टर होम या सरकार द्वारा बनाई गई टेंट कॉलोनी में रहने को विवश है। जब पश्तून इन सब के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को बर्बरतापूर्ण ढंग से दबा दिया जाता है। पाकिस्तानी सेना और जासूसी सेवाओं ने अनगिनत युवा पश्तूनों को बेघर कर डाला है। IFFRS के मुताबिक पाकिस्तान से न्याय न मिलने पर इन लोगों ने खुद को तापुज मूवमेंट के तहत संगठित किया है। पिछले 2 साल में इस संगठन ने पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी की गई है, जो पाकिस्तान में कभी नहीं सुनी जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे 1.5 करोड़ पश्तूनों के बीच एक और भी कनेक्शन है। असल में यह पश्तून और अफगानिस्तान सरकारें अंग्रेजों द्वारा पाकिस्तान के साथ बनाई गई डूरंड रेखा को स्वीकार नहीं करते हैं। अफगानिस्तान के कई नेता ग्रेटर अफगानिस्तान या पश्तूनिस्तान की मांग करते रहे हैं। थिंक टैंक के अनुसार जब तालिबान अफगानिस्तान में शासन कर रहा था, तब उसने भी डूरंड लाइन को अफगान पाक बॉर्डर मानने से साफ इंकार कर दिया था। हालांकि तापुज मूवमेंट ने कई बार तालिबान को पश्तूनिस्तान की आजादी पर उसे समर्थन का वादा दोहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर तालिबान पश्तूनिस्तान बनाने में उसका सहयोग करता है तो तापुज मूवमेंट भी उनकी मदद को तैयार है। खास बात यह है कि पाक पश्तूनी तालिबान के कट्टर इस्लामी अमीरात को अपने यहां लागू नहीं करने देना चाहते हैं। इस कारण से दोनों पक्षों में कुछ खींचातान भी होती रही है। परंतु जहां तक ग्रेटर अफगानिस्तान और पश्तूनिस्तान की बात है, तो तालिबान का पश्तून गुट उसके समर्थन में खड़ा है और वह पाकिस्तान से उनकी आजादी की मांग में सहयोग करने की बात भी दोहराता है, जो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में खतरे की घंटी बजाने वाली है। खतरे की घंटी इसलिए कि अगर पश्तूनिस्तान की आजादी की आवाज बुलंद हुई और इसने हकीकत का रूप लिया, तो इस मदरसा मुल्क का टुकड़ों में बंटना संभावित है। पाकिस्तान के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि डूरंड लाइन पर साल 2018 से वह फेंसिंग कर रहा है। तब अफगानिस्तान ने इस फेंसिंग का पुरजोर विरोध किया था और दोनों देशों की सेनाओं के बीच हथियार निकल गए थे। वही इसी साल जुलाई में कंधार के बाहरी इलाकों में अफगानिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी जवानों को खदेड़ा था। अफगान सेना के इस रुख का तालिबान भी समर्थन करता है। वह भी पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली फेंसिंग के खिलाफ रहा है। तालिबान का मानना है कि डूरंड लाइन एक विवादित सीमा रेखा है। पाकिस्तान ने इस रेखा के पार जिस इलाके पर कब्जा कर रखा है, वह अफगानिस्तान की जमीन है और कोई भी अफगानी इसे स्वीकार नहीं करता है।
सितंबर 2019 में पश्तूनों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान से आजादी के खिलाफ शुरू हुए इस विद्रोह का नेतृत्व मंजूर अहमद पश्तीन ने किया था। 27 साल के मंजूर अहमद पश्तून ने पश्तूनों को संगठित करके बेहद ताकतवर बना दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की दमनकारी नीति के खिलाफ पश्तून प्रोटेक्शन मूवमेंट नाम से एक ऐसा संगठन खड़ा किया है जिसके जिक्र से ही पूरी पाकिस्तानी हुकूमत कांपने लगती है। मंजूर पश्तीन भी तालिबान की वापसी के बाद अलग देश की मांग को आवाज दे रहे हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा कि पश्तूनिस्तान अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। पाकिस्तान की इसलिए भी उधड़ रही है कि अगर पश्तूनिस्तान की आजादी की मांग उभरी तो बलूचिस्तान तो पहले ही बारूद के ढेर पर बैठा है। इसके अलावा सिंध कौमी मूवमेंट जैसे संगठन भी पाक के टुकड़े करने की ताक में बैठे हैं। यानी अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी पर अभी तक गधैया नर्तक के कीर्तिमान बनाने वाला मदरसा मुल्क अपने घर में उठती विद्रोह की चिंगारी से घबराहट और दहशत में है। खास बात यह है कि बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स को भारत का समर्थन का आरोप लगाने वाले पाकिस्तान के पास अब अपनी हताशा और टूट को बचाने का बहाना नहीं है। इस वक्त अफगानिस्तान में भारत उस स्थिति में नहीं है कि वह बलूचों या पश्तूनों की कोई सहायता कर रहा हो। इससे यह भी साबित होता है कि पाक आर्मी की दमनकारी नीति ही मदरसा मुल्क के टुकड़े करने की ओर ले जा रही है। अपनी कमियां छिपाने के लिए भारत पर झूठे आरोप बढ़ना उसकी धूर्त मुल्ला पुलिस की रणनीति रही है। यूं भी एक पुरानी कहावत है कि जब कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो उसका भी एक पांव गड्ढे के किनारे पर आता है जिसमें उसका खुद भी गिरने का खतरा बना रहता है। पाकिस्तान भी कमोबेश उसी हालत की ओर बढ़ रहा है। उसने अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए तालिबान जैसे आतंकी गुट को खड़ा तो किया, मगर यह उन सपोले मुल्लाओं की जमात है जो सबसे पहले अपने ही लोगों को खा जाती है। पश्तूनों में उठी विद्रोह की आवाज आने वाले दिनों में मुल्ला मुल्क के चूल्हों में आग धधकाएगी। इस आग की लपटें खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं रहने वाली है बल्कि पूरा पाकिस्तान इसकी जद में आ सकता है। खासतौर से तालिबान एक बार फिर से मजबूत हुआ तो वह अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को भी ले डूबेगा। यूं भी है इन जाहिलों का स्वभाव रहा है कि ये तेमंद खरीदने से पहले दुकानदार की टांगों पर उसे लपेटकर उसकी नापतोल जरूर देखते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।